This movie is encoded by Dr. Star. गहरे समंदर में भटकते हुए वास्को डा गामा के ये पुर्तगाली जहाज किसी नई मंजिल, किसी नए साहिल की तलाश में गोवा आ पहुंचे। यह जमीन एक स्वर्ग थी, दौलत और तिजारत का वो जरिया जिस पर पुर्तगालियों ने झंडा लहराकर अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। गुरूर और घमंड में डूबे हुए ये सिपाही जमीन के साथ गोवा के इन वासियों पे अपने मजहब की मोहर लगाने में मदहोश थे कि अचानक इस मदहोशी ने एक अनजानी करवट ली। इन्हीं का एक साथी गैस्पर जमीन का नहीं, मजहब का नहीं, दिल का सौदा कर बैठा। मछियारों की बस्ती में परवान चढ़ी, सागर की लहरों से खेलने वाली एक जिंदा कयामत पोला गैस्पर का दिल बन बैठी। गैस्पर ने बस एक नजर पोला को देखा, निगाहें चार हुई, खामोश वादे हुए और पोला की झील सी आंखों में गैस्पर का दिल डूबता चला गया। ये वो चिंगारी थी, वो शोला जिसमें ये प्यार भरे दिल तप कर रह गए। लेकिन जमाने को ये तपिश मंजूर न थी। गैस्पर परेशान था, एक तरफ पोला और दूसरी तरफ उसका मजहब, उसका ईमान। गैस्पर ने मजहबी रहनुमाओं के सामने यूं तो कसम खाई थी, अपने मजहब से वफादारी निभाने का ऐलान भी किया था और पादरी के सामने झुककर मुकद्दस किताब को अपने हाथों में लेकर चूमा भी था। लेकिन रात की तन्हाइयों में सागर किनारे बस्ती से दूर लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हुए गैस्पर का हर कदम पोला की मोहब्बत और पोला की हर धड़कन गैस्पर का दिल बनती चली गई। हां, ये मोहब्बत थी। लेकिन मोहब्बत की यह महक जब पोला के घर तक पहुंची तो एक तूफान आ गया और देखते ही देखते समाज का एक चांटा पोला के मासूम गालों पर मोहर बन गया। मगर मोहब्बत की रोशनी कम ना हो सकी, यहां तक कि एक रात सागर से लौटते हुए एक मछियारे ने इन परवानों को देख लिया और कयामत आ गई। आंखों में नफरत और हाथों में आग लिए बस्ती वाले लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। गैस्पर ने देखा कि अब वो चारों तरफ से इस तूफान से गिर चुके हैं। घबरा गए दोनों, परेशान हुआ गैस्पर। तूफान करीब आ चुका था। मोहब्बत में डूबे हुए इन दीवानों के पास अब दो ही रास्ते थे, मौत की गोद में एक अमर बंधन, वो मिलन जिसे कभी कोई ना मिटा सके, या फिर समाज के हाथों जिल्लत भरी जुदाई। गैस्पर ने पोला को देखा, पोला ने गैस्पर को। एक बार फिर निगाहों ने वादा किया, एक दूसरे का हाथ थामा और एक साथ दो प्यार भरे दिल मोहब्बत की बुलंदियों से सागर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गए। ये बेजान पुतले सदियों पुरानी मोहब्बत की निशानी है, दो प्रेमियों की, गैस्पर डायस और डोना पोला। ये एक ऐसी दास्तान है एक ऐसा इतिहास जो गोवा की बारिश की हर बूंद में जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा।
अब कैसी है? फिर वही हाल है, सोई नहीं। बुरे सपने? जी हमेशा की तरह। लीला तैयार हो? लीला क्या मेरा जाना जरूरी है? इंतजार मुझे पसंद नहीं। शाबाश। हेलो मेरे यार। हे, कैसे हो दोस्त? पहुंच गए ठीक ठाक? बिल्कुल। अच्छा किया आ गए। वेलकम टू गोवा। थैंक यू। इससे मिलो, यह है सैली। केंकी मंगेतर। मंगेतर तो यह किस्सा है, मुबारक हो। शुक्रिया। ये लो, घबराओ नहीं, ये है यहाँ की परंपरा। फूलों से मेहमानों का स्वागत होता है, खासकर उनका जो साथ लाते हैं विदेशी मुद्रा। चले। ये तुम गले में क्या डाले? बस यूं ही। वो कैसा लगता हूँ बोले? बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कोई भैरूपिया है। मेरा ये दोस्त भाई किसी जमाने में अच्छा खासा आशिक था कॉलेज में। अरे छोड़ो भाई। तो ये नया रूप है आपका? ना ना, वो नहीं, मैं एक ग्रेजुएट सेमिनेरियन हूँ। और ये बात जनाब बिल्कुल टाल गए अपने पोस्ट कार्ड में। यार बस यूं समझो कि भूल गए, लेकिन इसी बहाने तुम गोवा तो आ गए। ऐसे तो 100 बार छुट्टी का प्रोग्राम बनाया और ये टालते रहे। आपने एक बार बुलाया तो बोले चलो। भाई इनको कैसे मना करते, न जाने ऐसा क्या है, पर यहाँ गोवा में एक बड़ी अजीब सी कशिश है। हम जो हैं यहाँ, ये वाला। तो फिर शादी कब है? अरे इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी क्या है, इन्हें कैसे समझाऊं? यार सुनो, नेवी ने मुझे जहाज पर ही रखा था पिछले 8 महीनों से, अब इतने दिनों बाद जमीन पे पांव रखा है। ऐसे हैं हमारे कप्तान, अब समझे मेरी मजबूरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि गोवा तुम्हारी मजबूरियां दूर कर देगा। काश ऐसा हो। पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में गोवा पर अपनी हुकूमत कायम की। हिंदू ईसाई संस्कृति तब से ही जमीन पर घुली मिली रही है। ईसाई भी यहाँ हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यहाँ तो सब पुराना है। सो तो है, मगर यही तो इसकी खूबसूरती है। हाँ, लेकिन सैली को सब कुछ आधुनिक, सब नया पसंद है। वैसे आपको इंडिया से क्या लगाव है? मैं गोवा के प्राचीन गिरजाघरों के वास्तुशिल्प के विषय में एक किताब लिख रहा हूँ, एक इतिहास। और वो किताब तो खुद एक इतिहास बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ मेरी किताब और दूसरी तरफ मैडोना के 2 कन्फेशंस। ये सब क्या हो रहा है? अरे मैं तो ये बताना ही भूल गया, आप लोग बड़े खास दिन आए हैं। ये सेंट फ्रांसिस जेवियर का जुलूस है, हर 10 साल में एक बार निकलता है। इसी व्यक्ति तो अर्थी है। क्योंकि इसमें उनका बदन है। उनका बदन? सेंट जेवियर 400 साल पहले चीन में एक महान पादरी थे और उनकी मौत के बाद उनका बदन ला गया गोवा, और तब से ये शरीर ज्यों का त्यों सलामत है। तो ये बदन 400 साल का है? हाँ 400 साल। कई ईसाई सलामत शरीर को प्रमाण मानते हैं उस चमत्कार का कि शायद मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्या अजीब बात है ये, एक दफा मर गए तो मर ही गए। दोस्त है कोई? वो है फादर मेंडोजा, बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं उनके चर्च के साथ वाले कमरे में ही रहता हूँ, मकान मालिक हैं। समय पर किराया ना दूं तो मूर्तियों की सफाई करवाते हैं। तो ये परंपरा कितने सालों से चल रही है? करीब 300 साल से। कहते हैं उनका शरीर दिन ब दिन सिकुड़ रहा है और जिस दिन इसका कोई भी अंश नहीं बचेगा उस दिन कयामत आ जाएगी। मुस्कुराओ, ये तो सिर्फ एक वहम है।
एक अंध विश्वास। हो सकता है, जब तक तुम भारत में हो सके यूं समझो कि ये सब विश्वास की बात है। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। सूरज जगह है। देखा, तुम दोनों नहीं मानते थे ना मेरी बात। अरे अरे संभालो ये सूटकेस, इसको भी उल्टा मत होने दो। जी मैडम। थैंक यू। साली ऐसा क्या है उसमें, ब्राउन शुगर शायद? विटामिन्स। जो धूप में रह जाए तो खराब हो जाते हैं। और पानी साफ रखने की गोलियां। और अगर खत्म हो जाए पानी की बोतलें जो हम साथ लाए हैं, और वो फर्स्ट एड किट, वो एंटीबायोटिक्स, और क्या, हाँ वो इमरजेंसी में सांप काटे की दवा। केन को तो इन चीजों की फिक्र ही नहीं, इनका सफर प्लेन का टिकट लो और बस निकल पड़ो। और मैं नहीं भूला सनटैन लोशन। बहुत अच्छे, जरूर काम आएगा बारिश के मौसम। ये लो दोस्तों, जैसा वादा वैसा ही कॉटेज और सामने लहराता समंदर। खूबसूरत नजारे भी। बस यही रख दो। आपकी चाबियां सर। थैंक यू। जस्ट स्टे। बारिश होने लगी। कितना रोमांटिक है। रोमांटिक, अकलमंद को इशारा काफी। तुम दोनों सफर की थकान दूर करो, मैं फिर आऊंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया। वेरी स्पेशल। मुझे खुशी है तुम लोग आ गए। गुड नाइट। फिर मिलेंगे। क्या बात है। बिस्तर भी है। इसको तो खोले। एक नई खबर है। फौरन मिलो। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग ओलिविया। 7 बज गए, प्रार्थना कर ले। आई एम सॉरी फादर, आज तो पूजा है इंद्रदेव की। सही कहते हो। चलिए आपने माना तो। We'll be right back.
मिरांडा के साथ ये जो आदमी है उसका नाम है जफर अली। ये तस्वीर 3 दिन पहले दुबई में ली गई थी। बड़ी मछली है पाकिस्तान से। कभी ना कभी तो मछली जाल में फंसेगी ही। वैसे भी मिरांडा साझेदारी में बिजनेस फैला रहा है मिडिल ईस्ट, थाईलैंड और पाकिस्तान में। और गोवा में आया अब? बच के कहाँ जाएगा, शिप चला है दुबई से शनिवार सुबह 3:30 बजे। उसका जहाज यहाँ कब पहुँचेगा? 12:50 गोदी नंबर 30। वहीं पर घेर लेंगे। ये वाइसरॉय का दरवाजा 1599 में खूबसूरत और कीमती लाल और हरे पत्थरों से वाइसरॉय फ्रांसिस्को डा गामा ने बनवाया था। अपने दादा डे कारनामों का एक स्मारक, वो एक मशहूर जहाजी वास्को डा गामा जिसकी मूर्ति इन पत्थरों में खुदी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग इस कहानी में खो से गए हैं। अब जाग भी जाएं। ओके फ्रेंड्स, फौरन चलिए वापस बस में। हम सब देखेंगे मापसा का साप्ताहिक बाजार, कुछ शॉपिंग भी हो जाए। क्या ख्याल है? अब चलो, वीकेंड बस जा रही है। चलो। सॉरी। कब होगी मेरी? तुम पहली बार आई हो गोवा? हाँ, पहली बार। लेकिन वो नहीं, वो भी पहली बार आया है। नहीं, यहां पर आए हैं पहले। ये मिट्टी शादी की रेखा। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई शादी नहीं। तुम गलत हो, ये कैन है, मंगेतर है मेरा, वी आर एंगेज्ड। मन सोचे कुछ, ईश्वर करे कुछ। क्या? कोई शादी नहीं। ओ छोड़ो, इसके बने $10। क्या एकदम पागल हो, कुछ आता ही नहीं? पागल नहीं, ज्ञानी हूं मैं। हूं मैं एक जोगन। होने दो तो क्या हुआ, बेकार बकवास के पैसे नहीं दूंगी। ओके, वहां क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, इसके दाम दे दो साली। ये लो $10। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी है। जो देखा वही कहा। छोड़ो ये सब इनके ठग।